बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई आज के सिलसिलावार लेक्चर रिपोर्ट निगारी के पांचवें हिस्से के साथ हाज़िर खिदमत। नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवसुस से वाकयाती रिपोर्ट लिखने का तरीका। आज की रिपोर्ट शहर में बढ़ती हुई गदागरी पर रिपोर्ट तहरीर करें। उन्वान, बढ़ती हुई गदागरी, 23 दिसंबर 2023। मोहतरम चेयरमैन सिमाजी बहबूद, शहर अलिफ बेजीम। अस्सलामु अलैकुम। गदागरी बतौर पेशागरी की लानत हमारे मुआशरे में सरतान की तरह फैलती जा रही है। मस्जिदों के बाहर रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, होटलों के इर्द गिर्द, अस्पतालों के अंदर, तफरी गाहों, दुकानों और गली कूचों, चौक चौराहों में गदागरों की यलगार रहती है। इन गदागरों में कुछ लोग बज़ाहिर नाबीना बने होते हैं और कुछ अपने जिस्मानी आज़ा को बेहिस जाहिर करके बज़ाहिर माजूर बनकर या राशातारी करके भीख मांगते हुए नजर आते हैं ताकि लोग तरस खाकर ज़्यादा पैसे दें। बाज़ सफ़ेद रीश, बुज़ुर्ग और बुरका पोश ख़वातीन बच्चों के हमरा हाथों में पोस्टर उठाए खड़े नजर आते हैं। मौजूदा दौर में तो गदागर मुख्तलिफ शक्लों में जराइम का इर्तिकाब भी करते हैं। दीन इस्लाम सख्ती से गदागरी की मजम्मत करता है, पेशावर भिकारियों की हौसला शिकनी का दर्स देता है। हुजूर नबी अकरीम खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और ऊपर वाला हाथ खर्च करने वाला हाथ है और नीचे वाला हाथ मांगने वाला हाथ है। हुजूर अकरम खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला वजह सवाल करने और खामखा हाथ फैलाने से मना फरमाया है और ऐसे लोगों के लिए सख्त वईद डांट फरमाई है जो सेहतमंद व तवाना होने के बावजूद हाथ फैलाते हैं। सवाल करना हर एक के लिए मायूब और गुनाह है, ख्वाह साइल मर्द हो या औरत। हमारा दीन इस्लाम दीन फितरत है और ज़िंदगी गुजारने के उसूल और तरीके बताकर हमारी रहनुमाई करता है। अगर एक तरफ साहब हैसियत और मालदार मर्द औरत को ये हुक्म है कि वो ज़रूरतमंदों और माजूर मर्दों और औरतों की मदद करे तो दूसरी तरफ मेहनत से काम करने का हुक्म भी मर्द औरत पर यकसां है। एक लिहाज से औरतें घर बैठे ऐसे बहुत से काम कर सकती हैं जैसे सिलाई कढ़ाई का काम, पकाने का मशगला, स्वेटर और जर्सियां बुनने का काम और इस जैसे दर्जनों काम हैं जिनसे वो माली मुश्किलात पर काबू पा सकती हैं। जिन ख्वातीन को पढ़ना लिखना आता हो वो बच्चों और बच्चियों को पढ़ाकर खुद भी फ़ायदा हासिल कर सकती हैं और दूसरों के लिए मुफीद बन सकती हैं। ये बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि भीख मांगना हमारे यहाँ एक मुनज़्ज़म पेशे की सूरत इख्तियार कर गया है और इसकी तरबियत के बाकायदा अड्डे हैं। गदागरों ने भीख मांगने के लिए कुछ मखसूस जगहें मुकर्रर कर रखी होती हैं और इन जगहों पर गदागरों के ग्रोह काम करते हैं। ज़्यादा आमदोरफ्त वाले इलाकों में भीख मंगवाने के लिए ठेके मुकर्रर होते हैं। इमदाद के हकदार दरअसल वो लोग हैं जो अपना भेद, अपना राज किसी को नहीं बताते। उनकी आँखों से
बेबसी शायद मालूम हो जाए, वरना वो गुर्बत में भी गैरत की वजह से हाथ फैलाना अच्छा नहीं समझते। गदागरी को बतौर पेशा इख्तियार करने वाले इंसान की इज्जत नफ्स ख़त्म हो जाती है। ऐसा इंसान अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को अपना सहारा और राजिक समझ बैठता है। इंसान की ये शान नहीं है कि वो अपने खालिक को भूलकर दूसरों से मांगता फिरे। गदागरों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ज़रूरत इस अमर की है, ज़रूरत इस बात की है कि गदागरी के सदबाब भरपूर तरीके से तवज्जो दी जाए। गदागरी के सदबाब पर भरपूर तरीके से तवज्जो दी जाए। हकीकी माजूर व अपाहज अफराद के लिए मोहताज खाने बनाए जाएं, सेहतमंद अफराद को काम पर लगाया जाए और उनके अंदर इज्जत नफ्स का एहसास उजागर किया जाए। रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं ताकि मुल्क से गदागरी का नासूर ख़त्म हो और एक बावकार मुआशरा वजूद में आए। वस्सलाम। खैर अंदेश सीन शीन लाम। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहिए उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नए लेक्चर से आपको आगाही मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।